माँ अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे माथे का पसीना साफ कर रही थी। चल अब जल्दी से पानी पी, कितनी बुरी तरह डर गई है। आज ही मंदिर से तेरे हाथ में काला धागा बंधवा कर लाऊंगी, लगता है किसी की नजर लग गई है। और फिर दोपहर के लगभग 12 बजे माँ कमरे में आई। सोनाली, तेरे लिए वो काला धागा बनवाने मंदिर जा रही हूँ, अभी जल्दी ही आ जाऊंगी। और सुन, पापा जरा बाजार तक गए हैं, आते ही होंगे, तू दरवाजा बंद कर ले बेटा। हिम्मत नहीं हो रही थी घर में अकेले रुकने की, चुपचाप माँ के कमरे में आकर लेट गई। और वैसे भी इस कमरे की खिड़की बाहर रोड की तरफ खुलती थी। बीती रात के डर से अपना ध्यान हटाने के लिए मैं लगातार खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी अचानक एक लंबा सा घूंघट चेहरे पर डाले एक औरत मेरी खिड़की के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, पानी मिलेगा? बहुत प्यास लग रही है। मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जाते जाते मैंने पलट कर उस औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी लंबा घूंघट था, लेकिन वो किसी से बातें कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों से करती है। लेकिन वहां तो कोई नहीं था। किससे बातें कर रही है? मुझे तो कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। जग और गिलास में पानी लेकर मैं खिड़की के पास आई। खिड़की पर लगी ग्रिल के बीच से ही गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसी बीच मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखने की कोशिश की कि क्या सचमुच उसके साथ कोई था जिससे वो बातें कर रही थी। लेकिन वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। घूंघट हटाए बिना उसने एक ही घूंट में गिलास का सारा पानी खत्म कर दिया। दबी हुई आवाज में उसने शुक्रिया कहा और खाली गिलास मुझे लौटा दिया। मैंने अभी बस उस गिलास और जग को पास वाली टेबल पर रखा ही था और देखा तो वो औरत वहां से गायब हो गई। मेरी नजर पानी के गिलास पर पड़ी तो वो पूरा भरा हुआ था, लेकिन पानी का रंग सिंदूर जैसा लाल। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो कोई सपना भी नहीं है। कौन थी वो औरत? अचानक याद आया, जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था तो उसका हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। घबराहट में पानी का गिलास और जग मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पूरे कमरे का पूरा फर्श लाल हो चुका था। मैं बेतहाशा वहां से भागी, अपने आप को संभालती। मेरी सांसें इस कदर तेज हो गई थी, लगता था जैसे किसी भी पल बेहोश होकर गिर जाऊंगी। जैसे तैसे रसोई तक पहुंची और कसकर रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। वही दिल दहलाने वाली आवाजें जो कल रात को मेरे कानों में गूंज रही थी, दर्दनाक और खौफनाक चीखने की आवाजें फिर से पूरे घर में गूंजने लगी। मेरी आंखों के सामने वही तीन लड़कियां जो कल रात को मेरे सपने में आई थी खड़ी थी। उनकी आंखें मेहमानियत से भरी हुई थी, गर्दन टेढ़ी, चेहरा और पूरा शरीर जला हुआ। तो क्या सचमुच जो मेरे सामने खड़ी थी वो बुरी आत्माएं थी? लेकिन क्यों? प्यास लगी है, हमारी प्यास बुझा दो। एक साथ अजीब से ढंग से ये बात कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। मुझे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? माँ। लेकिन अगले ही पल पूरा घर उनकी खौफनाक हंसी और दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। माँ ने बताया कि जब वो मंदिर से लौट कर आई तो मैं रसोई में बेहोश पड़ी हुई थी। रसोई में क्या कर रही थी बेटा? दरवाजा भी अंदर से बंद नहीं किया था तुमने। अगर कुछ हो जाता तो इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए सोनाली। लेकिन माँ, मैंने तो दरवाजा। हाँ बेटा, तुमने घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई और दरवाजा खुला था, इसलिए घर के अंदर आ गई। लेकिन फिर भी बेटा, तुम्हें आराम करने को कहा था ना,
किचन में जाकर काम करने की क्या जरूरत थी? काम? कौन सा काम माँ? मना किया था ना खाना बनाने को, और इसीलिए तो गर्मी की वजह से चक्कर आ गए ना तुम्हें। पर मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। अब मुझे खुद पता लगाना था कि आखिर माजरा क्या है। मैं अगली रात फिर उसी कमरे में गई जिस कमरे में पहली दफा मुझे डर का एहसास हुआ था। आधी रात बीत गई, कुछ भी अजीब नहीं हुआ वहां पर। अचानक बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि वहां कुछ था, गद्दे के नीचे कुछ प्लास्टिक के पैकेट में रखा हुआ। देखा तो सिंदूर था उसमें, लाल सिंदूर। ये यहाँ किसने रखा होगा और क्यों? तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजें मेरे कानों से टकराने लगी। खिड़की के पल्ले एक बार फिर से खड़खड़ाने लगे। मैं समझ गई मेरा सामना किसी दूसरी दुनिया की काली शक्तियों से होने वाला है। हाथ में काला धागा पहना हुआ था मैंने, और इसीलिए उस वक्त वहां रुकने की हिम्मत कर पाई। कांपते हाथों से झटके के साथ मैंने खिड़की को खोला, लेकिन ये क्या, सामने मैदान में कोई आग जलाकर काला जादू कर रहा था। कोई औरत थी, चांद की रोशनी काफी तेज थी उस रात। ध्यान से देखा तो पता चला ये तो माँ थी। उनके हाथों में थी एक कपड़े की गुड़िया, और बड़े बेढंगे तरीके से वो उस गुड़िया को सिंदूर से नहला रही थी, और सिंदूर धुला दूध उस आग के हवाले कर रही थी। जाने कौन सी भाषा में अजीब और गरीब मंत्र पढ़ रही थी। माँ का चेहरा उस वक्त नॉर्मल नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे शरीर उनका है लेकिन आत्मा उनकी नहीं है, शक्ल उनकी है लेकिन वो आवाज मेरी माँ की कतई नहीं थी। तो क्या ये सब कुछ जो हो रहा था वो माँ? लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी? एक बार फिर से उस खिड़की को बंद कर लिया। वो रात जैसी तैसी बीती, और सुबह घूमने का बहाना करके मैं घर से बाहर निकल पड़ी। अभी कुछ ही कदम चली थी कि पड़ोस वाले शर्मा अंकल के घर पर नजर पड़ी। दो ही साल में ये घर खंडहर जैसा हो गया, लेकिन शर्मा अंकल तो अपने बेटे और बहू के साथ रहा करते थे। फिर घर की हालत ऐसी क्यों है, और ये दीवारों पर काले निशान कुछ अजीब लगते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पलट कर देखा तो मोहल्ले की एक आंटी थी। अरे सोनाली बेटा, कब आई और तबीयत कैसी है तेरी? सब कुछ ठीक है ना? मेरे चेहरे पर डर वाले एक्सप्रेशन देखकर उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं, आप बताइए आप कैसी हैं? तू इस हालत में यहाँ क्या कर रही है इस मनहूस घर के आगे? वो तेज कदमों से आगे की तरफ चल पड़ी। शायद वहां पर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसकी वजह जानना मेरे लिए जरूरी था। बहुत कुछ अजीब हो चुका था, और शायद आंटी उसके बारे में कुछ तो जानती थी। एक मिनट आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। उनकी कदमों की रफ्तार पहले से ज्यादा हो गई। 8 महीने प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे लिए तेज चल पाना मुमकिन नहीं था। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मोहल्ले से बाहर की तरफ एक संकरी गली तक पहुंच चुकी थी। आंटी मेरी बात तो सुनिए आंटी, मुझे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? मुझे लगा शायद वो मुझसे बात करने के मूड में नहीं है, और इसलिए गुस्से के साथ बात कर रही है। आंटी क्या इस घर में कुछ अजीब है? मेरा मतलब है शर्मा अंकल के घर में। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में भी। उन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा, वही जला हुआ चेहरा, वही खौफनाक आंखें। शायद एक बार फिर से बेहोश हो गई थी मैं, क्योंकि जब आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, और माँ ने परेशान होते हुए मुझे खबर सुनाई। बेटा डॉक्टर ने तेरी अल्ट्रासाउंड की थी, तेरे पेट में 3 बच्चे पल रहे हैं। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई बेटा?